मैं सभी का स्वागत करता हूं, सभी पत्रकारों का वेरी गुड इवनिंग एंड नमस्कार आप सबको। आज के बीपी में मेरे साथ मेरे सहयोगी महेंद्र गुप्ता जी हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं, जो मेरे साथ इस इसमें काफी इम्पोर्टेंट काम सब सहयोग निभा रहे हैं। तो मैं आप सबको ये सूचित करना चाहता हूँ कि रेलवे इतने बड़े रूप में, रेलवे एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है, जैसा भी हमारे साथी ने बताया कि रेलवेज ने ये सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है बहुत पुराना नहीं है, 1918 से हमने ये इसको प्रारंभ किया था और हम इसमें अभी 18 की के जो रिक्रूटमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करने के बाद अब हम दूसरे चरण में हैं और इस बार हम लोग 3 चरणों में ये परीक्षाएं कर रहे हैं। और ये परीक्षाएं जो है वो पहली है एनटीपीसी कैटेगरीज की, दूसरी है आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज में और तीसरी है लेवल 1 कैटेगरीज में। और हम लोग इस परीक्षाओं में, इन 3 परीक्षाओं में जो 3 अलग अलग उसमें हो रही हैं चरणों में, उसमें कुल मिला के हमारे साथ 1,40,000 रिक्तियां हैं और उन 1,40,000 रिक्तियों के में हमारे पास कुल रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो हैं वो 2,44,00,000 हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आप देख रहे होंगे कि इतने बड़े लेवल पे हम इस एग्जाम को करा रहे हैं और कोविड की सिचुएशन में ये एग्जाम कोविड के बाद महतात हो रहा है, क्योंकि कई परीक्षार्थियों की भी चिंता थी और कई उसका भी ये था कि भाई ये कितने दिनों तक आप इसको होल्ड कर रहे हैं। तो फाइनली हमने चैलेंज को लिया और इस चैलेंज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कुल मिला के हमारे पास जो मैंने आपको बताया, जो पहला इम्तहान हो रहा है वो है आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज का, जिसमें स्टेनो टीचर्स ट्रांसलेटर्स आदि हैं। इसमें हमारे पास कुल वैकेंसियां हैं 1,663 और कुल कैंडिडेट जो अपेयर जिन्होंने रजिस्टर्ड किया अपने को वह है 1,03,000। उसके बाद दूसरी कैटेगरी जो है वो नॉन ऑपरेटर कैटेगरी, जिसको हम एनटीपीसी कहते हैं, आप लोग भी इसको एनटीपीसी के नाम से जानते हैं। उसमें स्टेशन मास्टर, गार्ड्स, ऑफिस क्लर्क्स, कमर्शियल क्लर्क्स ये सब लोग हैं और उसमें कुल नियुक्तियां होनी है 35,208 पदों पर। और हमारे पास जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वो हैं 1,26,00,000। और पहली वाली परीक्षा जो है आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज की, वो हमने 15 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में उसको रखा है। और जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का एग्जाम है इसको अभी हमने 28 दिसंबर से शुरू करना है और 20 मार्च तक ये जाएगा, क्योंकि आपने देखा है 1,26,00,000 कैंडिडेट हैं तो ये लंबा पीरियड चलेगा। और तीसरा एग्जाम जो हम करने जा रहे हैं वो है लेवल 1 का, जिसमें ट्रैक मेंटेनर्स हैं, पॉइंट्समैन हैं और भी कई लेवल 1 की पोस्टें हैं जो इसमें होगा और कुल इसमें पदों की संख्या है 1,03,769 और कुल मिला के इसमें कैंडिडेट हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं 1,15,00,000 और इनका सीबीटी हमने अप्रैल में प्लान किया है। अभी टेंटेटिव प्लानिंग है, वो आपको आगे हम इसकी सूचना दे देंगे। पूर्व में जैसा अभी चल रहा है हम एडवांस में सारी चीजें आपके संज्ञान में ले आएंगे। तो कुल मिला के जो अभी हम पहले जो पहला एग्जाम जो 15 तारीख से शुरू हो रहा है आइसोलेटेड और मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज का, उसमें आपने जैसा मैंने अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में प्लान है, हम 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में अच्छा हम लोग जो है इसमें COVID-19 गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और हमने इसमें कैंडिडेट को उनके एग्जाम सिटी डेट के बारे में, उनकी ट्रेवल अथॉरिटी के बारे में 5 दिसंबर से उनको लिंक भेज दिया है इसके बारे में, सो दैट उनको ये सारी सूचनाएं पूर्व में हो कि वो किस सिटी में उनका एग्जाम होगा। अभी सेंटर इसको उस वक्त पता नहीं होता है, सेंटर की बात बताएंगे वो कैसे पता लगेगा। और डेट एंड डाउनलोडिंग का ये वो अपना ट्रेवल डॉक्यूमेंट जो है, जैसे SC ST कैंडिडेट होते हैं उनको हम लोग पासेस देते हैं, तो वो अपने ट्रेवल डॉक्यूमेंट 5 दिसंबर से डाउनलोड कर रहे हैं। और जो ई कॉल लेटर्स हैं वो हम आज 11 तारीख को 4 बजे से वो उनको ई कॉल लेटर भी आज डिस्पैच करना शुरू कर देंगे। और हमने सभी इसमें सभी अपने प्रतियोगियों को ये बताया है कि भाई वो आगे की सूचना या कोई भी सूचना में किसी और वेबसाइट या किसी और सोर्स पे लीक ना करें, वो हमारी जो RRBs की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ही सूचना पर निर्भर करें और सच्चे सत्य 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 जो सत्य सूचना के बारे में।
और जो इस बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो ये 15 तारीख से जो एग्जाम हो रहा है इसमें 1 लाख कैंडिडेट हैं और हम लोगों ने 3,354 सीबीटी सेंटर्स फाइनलाइज किए हैं और ये कैंडिडेट जो है लार्जली इनको सबको आइदर उसी शहर में अब उसी उसी प्रदेश में या जहाँ पे मिनिमम ट्रेवल इन्वॉल्व हो वहां पे हमने इनको अकोमोडेट किया है। तो हमारा प्रयास पूरा ये है कि कम से कम लोगों को डिस्टर्बेंस हो और लोगों को कोई तकलीफ ना हो। ये एग्जाम 2 शिफ्ट में होंगे, 120 मिनट के, 90 से 120 मिनट के। हाँ सॉरी, ये जो जनरल कैंडिडेट है उनको उनको 90 मिनट का समय मिलेगा और जो जो विज्ञान जो लोग दिव्यांग लोग हैं उनको हम लोग 120 मिनट देंगे और वो जो है स्ट्राइक के साथ वो उनको 120 मिनट मिलेगा। और ये एग्जाम जो है पहली सिर्फ 9 बजे सुबह शुरू होगी और दूसरी सिर्फ 1:30 बजे होगी। अरे मतलब गेट सॉरी मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि पहली सिर्फ का गेट ओपनिंग टाइम 9 बजे होगा और गेट क्लोजिंग टाइम 10 बजे का होगा मॉर्निंग में और एग्जाम 10:30 बजे शुरू होगा और दूसरी शिफ्ट जो है 1:30 बजे शुरू होगी, 1:30 बजे गेट खोलेगा उसका और गेट क्लोजिंग जो है वो 2:30 बजे हो जाएगा और 3 बजे से एग्जाम होगा। तो हम और अगले स्लाइड में मैं देख रहा हूँ दिखाऊंगा आपको कि कैंडिडेट समय जो 1,25,000 या कितना उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कैंडिडेट है, मेरे ख्याल से मिजोरम में सबसे कम है या अंडमान निकोबार में सबसे कम है। तो ये इस तरीके से इनका हमारे यहाँ जो एप्लीकेंट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन ये है और सिमिलरली अगली स्लाइड में हम दिखा रहे हैं आपको कि 1,25,88,524 कैंडिडेट उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, हम हर स्टेट्स में कहाँ पे उनको है। तो हमारी पहला प्रयास यही है कि जहाँ जिस प्रदेश के हैं वो उनको वहीं पे अकोमोडेट कर सकें और बहुत बड़ा चैलेंज है कोविड सिचुएशन में इसको कराना। तो उसमें जो कुछ मिनिमल डिस्टर्बेंस अनअवॉर्डेबल डिस्टर्बेंस होगा वही हम चाहेंगे कि प्रतियोगियों को रहे अन्यथा वो ऐसा नहीं होगा। ज्यादा ज्यादा हम कहीं पे यहाँ पे हमें मैक्सिमम ओवरनाइट जर्नी का रहेगा कि उनको एक ओवरनाइट जर्नी मैक्सिमम करनी पड़ सकती है। फीमेल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो हैं उनको हमने कोशिश किया है कि वो अपनी होम स्टेट में ही अकोमोडेट हो जाए। तो जो लोग दिव्यांग लोग हैं या जो महिला प्रतियोगी हैं उनको हम लोगों ने उनके गृह प्रदेश में ही समायोजित किया हुआ है। और जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि कुछ अनअवॉर्डेबल इंटरस्टेट मूवमेंट होगी क्योंकि वो जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है कैंडिडेट का उस वजह से कहीं पे ऐसा रहेगा फैक्टर कि कहीं पे ओवरनाइट जर्नी लोगों को करनी पड़ेगी। और हमने इस मामले में ये कोशिश किया है कि रेलवे की सुविधाएं सदस्यों को खोलें मिलें और जहाँ जहाँ पे हमने अपने जो ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्टरेट है उनको उनकी ट्रेवल रिक्वायरमेंट हमको उनको बता दी है और जहां जहां जरूरत पड़ेगी और जहां जहां पे वो फिजिबल होगा वहां पे हम लोग स्पेशल ट्रेनें उनके लिए चलाएंगे। हमने सभी चीफ सेक्रेटरीज को स्टेट्स में उनको उनका उनके संज्ञान में इस बात को लाए हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय ने उनको लिखा है कि वो जो हमारे RRBs हैं जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं जो रेलवे भर्ती परिषद हैं तो उनको वो उचित वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये आदेश दें या उनको ये सुझाव दें कि उनको उचित सपोर्ट दिया जाए और वो उनको जिससे कि स्मूथली ये एग्जाम कंडक्ट हो सके। एक और इसमें आप देखिए इस सीबीटी एग्जाम में या इस मेथोडोलॉजी में हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो फर्स्ट टाइमर्स हैं जिन लोगों ने पहले इस तरीके का कोई एग्जाम नहीं दिया है उनको भी किसी तरीके की असुविधा ना हो। तो हम लोगों ने उन लोगों को एक लिंक प्रोवाइड किया है जहाँ पे वो मॉक टेस्ट जो कर सकते हैं। तो ये मॉक टेस्ट जो है एक्चुअल एग्जामिनेशन से पहले फेमिलाइजेशन के लिए ये उपलब्ध कराई है सुविधा। तो कैंडिडेट्स जो हैं उनको हम
अच्छे पेपर, उसके अलावा ये हम और भी सुनिश्चित करने के लिए कि हर तरह से ट्रांसपेरेंसी हो और क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर है कैंडिडेट का वो उसको दिखाए उसको उनको वो उपलब्ध होगा आंसर बुकलेट अलॉन्ग विद करेक्ट आंसर कीज, उन्होंने क्या आंसर दिया है और उसके आंसर कीज एक्चुअली क्या है, ये एग्जाम के बाद उनको उपलब्ध करा दी जाएगी जिससे किसी तरह की भी कोई एम्बिग्यूटी किसी कैंडिडेट में ना रहे। और ये भी हमने उनको सुविधा दी है कि अगर वो कहीं पे उनको किसी चीज में वो सहमति नहीं रखते हैं तो वो करेक्शंस के या कोई करेक्ट उनको लग रहा है कहीं पे कोई करेक्शंस गलत हैं या कुछ क्वेश्चन है उनके तो वो अपने ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है रेलवे ने अब जो इंटरव्यूज होते थे वो सब खत्म कर दिए हैं, तो इन एग्जाम्स में जो ये सीबीटी एग्जाम है इसकी परफॉर्मेंस ही प्लस जो मेडिकल और बाकी चीजें होंगी बाकी यही इनके पैरामीटर रहेंगे, तो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है तो सारी ट्रांसपेरेंसी इस एग्जाम में रहेगी। इस एग्जाम में हमने इंटीग्रिटी जो है हाई लेवल की इंटीग्रिटी रखने के लिए क्या लिखा है कि बायोमेट्रिक एंड फोटो कैप्चर बिफोर एग्जाम, ये सुविधा दी है कि जो एग्जाम से पहले बायोमेट्रिक और फोटो कैप्चर जो है वो जो हमारे एग्जामिनी जो जहाँ पे एग्जाम सेंटर होगा वहां पे ये सुविधा रहेगी कि उनका बायोमेट्रिक भी होगा और उनका फोटो कैप्चर भी होगा जिससे कि इंपर्सोनेशन, आपने कई इस तरह की घटनाएं देखी हैं जहाँ पे दूसरे कैंडिडेट अपेयर हो जाते हैं बाद में काफी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाती है या पुलिस कंप्लेंट हो जाती है, तो उससे हम लोगों ने बचने का पूरा प्रयास किया है। और जो कैंडिडेट का फोटो होगा वो कैंडिडेट की स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, यहाँ पे सीसीटीवी सर्विलेंस भी होगी और कमांड सेंटर में रियल टाइम मॉनिटरिंग भी होगी और जो कैंडिडेट जो उनके जवाब होंगे वो सिस्टम में कैप्चर हो जाएंगे और वो 128 बिट इंक्रिप्शन में रहेंगे जिससे कि वो उसमें कोई आदमी उसमें वो नहीं कर पाए किसी तरीके की उसको डिस्टर्ब ना कर पाए। हमारे पास हर कैंडिडेट का डिटेल ऑडिट ट्रेल अवेलेबल होगा, तो ये आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि आरआरबी हमारी जो है टोटली कमिटेड है, कई दिनों तक लोगों ने डे एंड नाइट काम किया है, ये पूरी प्रोसेस हम लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस था, इसमें कई हमारे आरआरबी के चेयरमैन इन्वॉल्व थे प्री बिड के स्टेज में बिड डॉक्यूमेंट बनाने में पोस्ट बिड में, तो ये बहुत इसमें काफी काम हुआ है और हर प्रयास किया गया कि जिससे कोई किसी तरीके की किसी को ना तो असुविधा हो और ना कोई किसी तरीके की कोई किसी को अनड्यू एडवांटेज मिले। मैं एग्जाम के दिन में हम लोग कैंडिडेट्स का टेम्परेचर लेंगे और जो योगी थर्मोगन से लिया जाएगा जिनका प्रेस्क्राइब टेम्परेचर जो प्रोटोकॉल के हिसाब से टेम्परेचर प्रेस्क्राइब है उससे ज्यादा का टेम्परेचर होगा तो उनको एग्जाम से डिसअलाउ किया जाएगा, उनको रजिस्टर्ड मेल से इन्फॉर्म किया जाएगा और उनको रिशेड्यूल किया जाएगा उनका एग्जाम, ऐसा नहीं कि उनका चांस अगर उस दिन टेम्परेचर कितना खासा किस तरह से अगर उनको टेम्परेचर आ जाता है तो ये प्रयास होगा कि उनको रिशेड्यूल करके दूसरे दिन किसी और उसमें सुविधा अनुसार उनको दूसरे दिन के लिए शेड्यूल किया जाएगा और इसकी सूचना उनको पर्याप्त रूप से दी जाएगी समय पर दे दी जाएगी। यहाँ इस एग्जाम में कैंडिडेट को फेस मास्क पहनना है, वो अपना फेस मास्क खुद पहनेंगे और एक हमने और ये देखा है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको कोविड टेस्ट करा के आना चाहिए पर हम ये कह रहे हैं कि वो एक डिक्लेरेशन देंगे कि भाई उनको प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होगा उसका कि उनको किसी ना तो उनको कोई कोई कोविड टाइप की इस तरह की कोई समस्या नहीं है उनके साथ, अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो उसके बाद हम फिर उनको एग्जाम में उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। यहाँ तक क्राउड मैनेजमेंट का सिस्टम है, टोटल प्रॉपर जो कोविड मैनेजमेंट का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया जाएगा, वो मेन गेट से एग्जाम लैब्स तक जिस तरीके से है वो सब मतलब कहीं पे भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी। और हर शिफ्ट के बाद एग्जाम जैसे मैंने आपको बताया था कि दो शिफ्ट में होगा तो हर शिफ्ट के बाद एग्जामिनेशन सेंटर को सैनिटाइज किया जाएगा जिससे कि दूसरे शिफ्ट वाले लोगों को कोई तकलीफ ना हो और किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो और किसी को ये संज्ञान में भी न रहे कि या किसी को इस तरीके का अनिश्चितता ना हो कि भी क्या होगा उनका करके। तो इस तरीके से हमने जितने भी रिलेवेंट प्रोटोकॉल्स हैं गाइडलाइंस हैं
उनको हम लोग 100% कंप्लाई कर रहे हैं। इस संबंध में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस इशू की हैं उनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। तो जैसा आपको पता है कि इसमें काफी सारी गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से हैं, होम से हैं, या कोई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी हैं। तो हमारे सारे RRDs को हमने ये सुझाव दिया है कि वो किसी भी प्रोटोकॉल को देखें कि किसी भी प्रोटोकॉल का कोई वायोलेशन ना हो रहा हो। इसके साथ साथ मैं आपको सिर्फ फिर से एक बार आपके संज्ञान में पुनः लाना चाहूंगा कि हमने 2018 में भी